गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्गा, आई एम भुवनेश्वरी साहू। आइए आज हम बी 8 सेम में हाई वोल्टेज के ब्रेकडाउन लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ब्रेकडाउन लिक्विड्स, ठीक है। क्या होता है ब्रेकडाउन लिक्विड्स, देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कमर्शियल इंसुलेटिंग आर नॉट केमिकली प्योर एंड हैव इम्प्योरिटीज लाइक गैस बबल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स एटीसी, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे इंसुलेटिंग्स जो रहते हैं, ठीक है, क्या कमर्शियल जो इंसुलेटिंग्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब प्योर केमिकली नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। क्या क्या इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे कि गैस बबल सस्पेंडेड एंड पार्टिकल्स, ये सारे क्या होते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज मिले हुए रहते हैं, ठीक है, जो हमारे जो इंसुलेटिंग कमर्शियल इंसुलेटिंग पार्ट्स होते हैं उस पर, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, दीज इम्प्योरिटीज रिड्यूस द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड कंसिडरेबल, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो इम्प्योरिटीज रहता है वो क्या रिड्यूस करता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ दीज लिक्विड कंसिडर, जो हम लिक्विड कंसिडर करते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की, उसमें कुछ जो इम्प्योरिटीज जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या रिड्यूस करता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ किसकी, लिक्विड जो वहाँ पे हम जो भी लिक्विड हम उसमें कंसिडर करते हैं उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द ब्रेकडाउन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज इम्प्योरिटीज, ठीक है। द ब्रेकडाउन इन्फ्लुएंस जो रहता है बाय द क्या होता है, प्रेजेंस होता है किसमें, इम्प्योरिटीज में, ठीक है। जो भी हमारे इम्प्योरिटीज, क्या क्या इम्प्योरिटीज पाया जाता है, गैस बबल सस्पेंडेड, ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं, ये सारे क्या हो रहते हैं मेरे इंसुलेशंस में, कमर्शियल इंसुलेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सेवरल थ्योरीज आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन फिनोनिमा इन अ कमर्शियल लिक्विड, ठीक है। एक्सप्लेन करता है कुछ कुछ फिनोनिमाज होते हैं, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला लिखा है सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। क्या होता है इसमें, सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है इसमें स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी, सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी, मतलब ऑयल जो रहता है उसका भी कुछ वॉल्यूम मतलब होता है, मतलब कुछ उसका भी वेट होता होगा, ठीक है। थर्ड होता है कैविटी एंड बबल थ्योरी, थर्ड क्या होता है, कैविटी एंड बबल थ्योरी। फोर्थ क्या बोल रहा है, थर्मल मैकेनिज्म्स, थर्मल मैकेनिज्म मतलब जो भी उसमें मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें थर्मल मतलब उसमें उसकी जो क्वांटिटी जो रहती है वो किस टाइप की रहती है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वेंशन थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वेंशन थ्योरी। इलेक्ट्रो कन्वेंशन थ्योरी में क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने पर्शन या ये सब में बताया था, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है और एक एनोड होता है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो रहता है उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों पे ये क्या करता होगा, वर्क करता होगा। तो इस टाइप का ये छोटा सा ब्रेकडाउन लिक्विड का क्या है, थ्योरी पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब एनी टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन इन लिक्विड्स पूछ सकता है, या एक्सप्लेन कीजिए थ्योरीज प्रपोज्ड फॉर द ब्रेकडाउन इन अ लिक्विड, ठीक है। तो आपको ये छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखने का है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास।